ओरिजिन, डॉग अर्जेंटिनो का ओरिजिन अर्जेंटीना से है। डॉग अर्जेंटिनो एक लार्ज वाइट और मस्कुलर टाइप की डॉग ब्रीड है। इस ब्रीड को शिकारी खेल में जंगली सुअरों के साथ लड़ने के लिए ब्रीड किया गया था और इस ब्रीड के फाउंडर एंटोनियो नोरेस मोर्टिज एक ऐसी ब्रीड चाहते थे जो बहादुरी का प्रदर्शन करे और अपने मालिक को प्रोटेक्ट करे। डॉग अर्जेंटिनो को 1928 में कोर्डोबा फाइटिंग डॉग के साथ और दूसरे अन्य ब्रीड के साथ ब्रीड किया गया था। इसमें मेनली बुलडॉग और टेरियर शामिल थे और साथ ही साथ ग्रेट डेन, डॉग डे बोल्डो, पॉइंटर, बुल और टेरियर शामिल थे। रॉटवेलर डॉग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी में जब रोमन लोग रहने आए थे तब वो रॉटवेलर का उपयोग गाय और भेड़ों को चराने के लिए करते थे और इसके बाद कुछ फार्मर्स और बुचर्स सामान से भरे गाड़ों को खींचने के लिए रॉटवेलर का इस्तेमाल करते थे। रॉटवेलर डॉग का नाम जर्मनी के रॉटवाइल गांव से बिलोंग करता है। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन। डॉग अर्जेंटिनो लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है तो इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की जरूरत है। ये डॉग ब्रीड नॉर्मल टेम्परेचर में रहने के लिए सुटेबल है। ये बहुत ही अच्छे कार डॉग होते हैं। साथ ही साथ ये प्लेफुल, एनर्जेटिक और फ्रेंडली होने के कारण आप इनको छोटे बच्चों के साथ रख सकते हो। डॉग अर्जेंटिनो को मस्कुलर बॉडी की वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज और लॉन्ग वॉक की जरूरत